तुम अभी भी सो रही हो? 8 बज गए हैं, मैं तुम्हें अभी जगाती हूँ। जेन उठो। मम्मी आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं समझ गई, यदि तुम खुद उठना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालूंगी। उठो। यदि तुम खुद को साफ सुथरा नहीं करना चाहती हो तो जल उपचार खुद तुम्हारे पास आएगा। माँ तुम क्या कर रही हो? हैप्पी बर्थडे डियर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसे जल्दी खोलो, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे क्या दिया? किताब। मुस्कुराना कैसे सीखे? थैंक यू मम्मी, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद है, कपकेक। अब मैं अपनी सबसे सीक्रेट विश मांगूंगी और मोमबत्ती बुझाऊंगी। धन्यवाद माँ, मैंने इसे सुबह सुबह बनाया है, जल्दी करो और खाओ। मिस फेवी, उठो, खिड़की के बाहर कितना अद्भुत दिन है। ओह वह कितने अच्छे से सो रही हैं। मिस फेवी गुड मॉर्निंग, इस अद्भुत दुनिया के लिए अपनी खूबसूरत आंखें खोलो। ओह गुड मॉर्निंग किम, और तुमने पहले से एक आदर्श सुबह के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। मेरे फेवरेट सोने के पैच, अब मैं इसे आंखों पर लगा लेती हूँ ताकि नींद की कमी के लक्षण गायब हो जाए। ओह क्या तुम्हें याद है? धन्यवाद, बेशक मुझे याद है, आज आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे, एक अच्छे से विश मांगे। चलो इसे चखती हूँ। यह बेकार है, शायद कुछ और होगा। मेरे गिफ्ट कहाँ है? ओह यह गोल्डन बैग पक्का मेरे लिए है, इसमें क्या होगा? नए जूते, बैग, मुझे अब पैच की जरूरत नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। चलो गिफ्ट खोलती हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? एक नया आईफोन। कूल, चलो खोलकर देखते हैं कि नया कैमरा कैसा है। मुझे सभी सोशल नेटवर्क पर कूल पिक्चर पोस्ट करने हैं। ओह स्माइल, और अगर ऐसा हो तो, और सभी गिफ्ट के साथ। ओह मैं एक तरह से थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, अब तुम जा सकती हो। ओह वो वहाँ इतनी देर से क्या कर रही है? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है और उसे स्कूल के लिए भी। ओह और यहाँ ये अभी निकली है। ओह सिस्टर तुम्हें जल्दी करना चाहिए था। ओह मुझे ये चुनने की जरूरत है कि आज स्कूल में क्या पहनना है। मेरे पास कितना ज्यादा चॉइस है, एक पूरी ड्रेस लेकिन बहुत सुंदर। चलो तैयार हो जा। वाह आज हर कोई मेरी तारीफ जरूर करेगा। अरे ये जीन्स गंदे हैं, मैं इस तरह स्कूल नहीं जा सकती, सभी मुझ पर हंसेंगे। और ये मेरी अलमारी में एकमात्र और सबसे अच्छी जीन्स थी। ओह मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अब मैं आपके साथ एक लाइफ हैक शेयर करूंगी जो मुझे टिकटॉक में मिला। मुझे मैगजीन की अच्छी कटिंग, ग्लू और एक ब्रश की जरूरत है। हम ब्रश पर ग्लू लगाकर मैगजीन की कटिंग पर लगाएंगे और अपनी जीन्स पर चिपका लेंगे, और अब हम इस पर ब्लीच स्प्रे करेंगे। वाह बढ़िया, अब उस जादू को देखो जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ। और इतनी पुरानी गंदी जीन्स कूल फैशनेबल जीन्स में बदल गई। तो आज इस रानी को क्या पहनना चाहिए? ओह कितने अफसोस की बात है कि दर्पण मुझसे बात नहीं कर सकता, इसे मुझे बताना चाहिए कि आज क्या चुनना है। मेरे पास बहुत कम जूते और कपड़े हैं, मुझे मिलान के लिए उड़ान भरनी चाहिए और अपनी अलमारी को अपडेट करना चाहिए। सब कुछ कितना पुराना है। चलो मेरी नौकरानी यह मेरा काम कर देगी। हाँ मिस फीवी, क्या हुआ? ओह यह रेड कोड है जिसका मतलब है कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं समझ गई, मैं सब समस्या सुलझा लूंगी और सीधे फ्रांस से सारी शॉपिंग करके लेकर आती हूँ। मैं आ गई, ये लीजिए आपके सामान। वाह धन्यवाद केम, और लेकिन अगली बार थोड़ा जल्दी करना। ओह वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाह अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। मेरा स्कूल, मुझे आज भी देर नहीं हुई। हेलो दोस्तों, क्या हुआ बेबू, सच में हमसे बात कर रही है? इस शानदार गुलाबी कार से कौन आया है? अटेंशन, हम स्कूल पहुंच गए हैं। हमें स्कूल के गेट तक मिस फीवी के लिए गुलाबी कालीन फैलाने की जरूरत है ताकि उनके महंगे जूते गंदे ना हो। आप बाहर आ सकती हैं। ओह आखिरकार, हेलो दोस्तों, मैं फीवी हूँ, मैं आपकी नई क्लासमेट हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कम से कम कोई तो ऐसा होगा जिसके पास मेरे जितना पैसा होगा। वाह वो बहुत अच्छी लग रही है, चलो। ओह हमें क्लास जाना होगा, नहीं तो मम्मी से शिकायत कर देंगे टीचर। जल्दी करो प्लीज, मेरे बॉक्स में कोड डालो, ये याद रखना बहुत मुश्किल है। बढ़िया, वाह यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है, और आज मुझे जरूरत है। वो कहाँ गया?
ओह हाँ, ये इधर है मेरा छोटा बैग। मुझे उस नोटबुक को इसमें डालना है। अच्छा किया, शाबाश। ओह मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। आउच! आह, ओह माफ करना। यह कौन है? हेलो। वाव कितना अच्छा, फीवी ने मुझे हेलो कहा। मुझे सभी किताबों को इकट्ठा कर जल्दी से अलमारी में रखना होगा। ओह मेरे पास कितनी मोटी किताबें हैं। ओह यहाँ मेरी पुरानी कुकी है, मेरी माँ ने मुझे एक साल पहले दिया था। थोड़ा खाती हूँ, स्वादिष्ट। मेरा बॉक्स बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन क्या? ओह हाँ यह सही है, मेरे पास मरम्मत के बाद भी वॉलपेपर का एक टुकड़ा है और बस कुछ फेवरेट चीजें हैं। मैं इसे कूल देखने के लिए दरवाजे पर चिपका देती हूँ। वाह ये बहुत प्यारा निकला, मुझे ये पसंद है। सब कुछ जो मुझे पसंद है वह यहाँ जमा किया गया है। कितना बढ़िया है ना, अच्छा। लेकिन ये मेरे क्लास जाने का समय है, टीचर पक्का मेरी मम्मी को शिकायत करेगी। जल्दी करो और भागो। बच्चों ब्लैक बोर्ड पर मैथ असाइनमेंट देखो, यह इतना मुश्किल नहीं लगता क्योंकि हम इसे लाख बार कर चुके हैं। चलो मैं सारे उत्तर लिख दूंगी। यह अच्छा हुआ कि मैंने घर पर टेस्ट के लिए तैयारी कर ली थी, बस नंबर लिखना है। अरे पेंसिल टूट गई है, यह अच्छा नहीं हुआ। और मेरे पास कोई दूसरी पेंसिल भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद बैग में होगा। नहीं कम से कम कैंडी है। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया, मैं इन रंगीन कैंडी से अच्छा वाटर कलर बना सकती हूँ और कैंडी को प्लेट में रखती हूँ, थोड़ा पानी डालती हूँ और स्वादिष्ट पेंट तैयार है, जिसके साथ में मैथ टेस्ट परीक्षा को हल कर सकती हूँ। कूल, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए ये बहुत आसान है। और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, मैंने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और मुझे इसकी क्या जरूरत है। कोई भी क्रैमर मेरे लिए काम आसानी से कर देगा। चलो तुम मेरी मदद करो, मैं बदले में पैसे दूंगी। नहीं ओह तो ठीक है, फिर इतना पैसे के लिए तो तुम करोगी ही। हाँ हाँ मैं जरूर करूँगी। तो काम कैसा चल रहा है? समय समाप्त हो गया है, अपने पेपर दे दो। पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। ओह टीचर ने चेक कर लिया, मुझे क्या मिला? हुर्रे मैंने बहुत अच्छा किया, ए प्लस। और मुझे क्या मिला? क्या सब गलत है? एफ। अरे तुम्हें सब सही करना चाहिए था। हाँ मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। हुर्रे घंटी बज गई, आखिर अब हम कुछ खा सकते हैं। केम प्लीज मेरे डेस्क से किताब को हटा दो। हाँ धन्यवाद। और अब मुझे टेबल सेट करने की जरूरत है ताकि मैं लंच कर सकूं। शेफ ने मेरे लिए क्या पकाया है? क्या ये मछली है? कितना घिनौना, इसे जल्दी से हटाओ, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाओ। आशा है कि मैं आज भूखी नहीं रहूंगी। इस बार क्या है? ओह पिज्जा, ये तो मेरा फेवरेट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरी मम्मी मेरे लिए लंच पैक करती है, ये हमेशा मेरे लिए प्यारे नोट छोड़ती है ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझसे प्यार करती है। वाओ मेरा फेवरेट कैट सैंडविच, स्वादिष्ट। सैंडविच और प्यारे नोट कैसे होते हैं? और मेरे मम्मी पापा हर समय काम करते रहते हैं। जेन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, चलो लंच स्वैप करते हैं। बढ़िया, वाओ ये बहुत स्वादिष्ट पिज्जा है, धन्यवाद। यह पार्टी मस्त है। जेन एक तरफ खड़े मत रहो, हमारे साथ आओ। यह कॉकटेल तुम्हारे लिए है फीवी। अरे मेरी नई ड्रेस बर्बाद हो गई है, किसने धक्का दिया? उफ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? सिर्फ एक कॉकटेल मेरे ऊपर गिरा है। ओह कितने शर्म की बात है, मैं जा रही हूँ। अब कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहेगा, यहाँ तक कि पैसे के लिए भी नहीं। कितना बुरा। फीवी तुम ठीक तो हो ना? ओह मैं समझ गई, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है फीवी, क्या तुम मेरा स्वेटर पहनोगी? मेरी दादी ने इसे मेरे लिए बुना था, यह लो। अब तुम्हारे पास कोई ढीला डाला स्वेटर नहीं बल्कि एक कूल ड्रेस है, चलो मजा करते हैं। मैं रॉक करने के लिए एक नए ड्रेस में वापस आ गई हूँ, तुम्हें मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? ये वास्तव में बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद जैन, चलो सब डांस करें। आशा है आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, फिर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे साथ बने रहें।